हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। काफ़ी टाइम हो गया, आज काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए, जितने मेरे होम साइंस के, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो जनरल साइंस पढ़ रहे हैं या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आज, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया हुआ है, जहाँ मैंने आपको ऑल ग्लैंड्स के बारे में बताया है। आज मैं आपको थायराइड ग्लैंड बताऊंगी, थायराइड ग्रंथि जो होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसका एक अलग से मैंने वीडियो इसलिए अपलोड किया है। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो है, ये आपको डेफिनेटली श्योर हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम थायराइड ग्लैंड पढ़ लेते हैं। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, थायराइड ग्लैंड के बारे में आप जानते हैं? ये जो होता है, मनुष्य के गर्दन के भाग में आपके जो श्वास नली होती है, जिसे आप ट्रेकिया बोलते हैं, ठीक है, श्वास नली के दोनों ओर होती है, ठीक है, स्वरयंत्र के जोड़ के जो आपका उसका बेस होता है उस पर स्थित होती है, जो स्वरयंत्र बोलते हैं, जिसको आप लार्निक्स बोलते हैं, उस पर होती है। ये तो आपको पता है थायराइड ग्लैंड, जिसमें आप बोल सकते हैं गर्दन में, गले में होती है, गर्दन के भाग में ही होती है, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यूज से आपके जुड़ी होती है। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा थायराइड ग्लैंड के बारे में। और कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, संयोजी ऊतक बोलते हैं जिन्हें हिंदी में, उससे ये जुड़े होते हैं, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको इस्थमस बोलते हैं, जिससे कनेक्टिव टिश्यूज की जो ये जिस चीज से जुड़े होते हैं, एक पतली पट्टी होती है उसे जुड़े होते हैं, उसे इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही केवल थायराइड ग्लैंड की, और इससे आपके जो है एक पदार्थ, एक गुलाबी, ठीक है, पिंक कलर का एक जो पदार्थ है वो स्त्रावित होता है, जिसमें आयोडीन होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड्स की, थायराइड ग्लैंड्स में आपके फॉलिसल्स होते हैं, फॉलिसल्स को आपके गोल पुटिकाएं बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो उसके फॉलिसल्स होते हैं, उससे आयोडीन, उसमें जो आपके कोलाइडल है या जो पदार्थ है जिसका बोलते हैं, जो स्त्रावित होता है, सिक्रीट होता है, उसमें आयोडीन होता है, पिंक कलर का वो होता है सिक्रीशन, ठीक है। इसको आपके थायरोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायरोग्लोबिन बोलते हैं। और जो इससे हार्मोन स्त्रावित होता है, जो आपके, मैंने पहले बताया आपको, जो पदार्थ स्त्रावित होता है, मतलब जो मटेरियल, जो कोलाइडल स्त्रावित होता है, वो पिंक कलर का होता है, उसको थायरोग्लोबिन बोलते हैं। और इसमें, इससे, इस पदार्थ में आपके क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। इस पदार्थ से स्त्रावित वाला हार्मोन जो होता है वो आपके थायरोक्सिन होता है, या इसको टेट्रा आयोडोथाइसेनिन भी बोलते हैं, T4। यहाँ पर मैंने ये चीज लिखी हुई है, स्त्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन है, या फिर इसको टेट्रा आयोडोथाइसेनिन, ठीक है, T4 भी बोलते हैं, जिसमें आपके 65% आयोडीन होता है। आपको पता है कि जो आयोडीन की कमी से ही जो होता है थायराइड ग्रंथ, जो आपके प्रॉब्लम होती है थायराइड की, वो होती है, ठीक है। और ये क्या है, एक अमाइनो एसिड है। ये क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, थायरोक्सिन हार्मोन क्या है, अमाइनो एसिड है, ठीक है, अमीनो अम्ल है, जिसमें 65% आयोडीन होता है। आपको पता है इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ये जितनी भी मनुष्य की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जिसे आप उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं, उसका कंट्रोल करता है, उसे नियंत्रित करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर फंक्शंस भी लिखे हुए हैं, आई होप आपको सब दिखाई दे रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर हम थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि थायरॉइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, या इसको टेट्रा आयोडोथाइसेनिन हार्मोन बोलते हैं, T4 बोलते हैं, उसके फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मनुष्य की जितनी भी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उसको कंट्रोल करता है, उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको जो है एंडोक्राइन सिस्टम का पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, तो आप लोग जो है ध्यान से स्टूडेंट्स पढ़ें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और ध्यान से उसको समझें, ठीक है। ये जो आपके, इसका जो दूसरा काम है, ये जो हृदय स्पंदन, मतलब जो आपके हार्ट के स्पंदन है, जो उसकी दर को, उसकी रेट को प्रभावित करता है, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल ग्लैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम केवल थायराइड ग्लैंड्स की इंपॉर्टेंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके क्या फंक्शंस करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हार्ट की जो रेट है स्पंदन की उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो एम्फीवियंस होते हैं, एम्फीवियंस कौन होते हैं, उभयचर होते हैं, ठीक है, उसमें जो टेटपोल्स होते हैं ना, उनके मेटामॉर्फोसिस में को प्रेरित करता है। अगर इसकी कमी होती है तो जो आपके
लार्वा होता है, जो अब जब वो जो टेटपोल होता है, जब वो अडल्ट हो जाता है वो बदल नहीं पाता है, टेटपोल अडल्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इस जो ये जो प्रोसेस होती है, टेटपोल्स जो होते हैं वो अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, इसको नियोटोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोटोनी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे इसके, यहाँ पर मैंने इसको आपके साथ क्लियर कर लिया है। अब हम जानेंगे थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग, जो कि आपने नॉर्मल पढ़े होंगे कि गोइटर हो जाता है, ठीक है, या आपने पढ़ा क्या क्रिटिनिज्म हो जाता है, मिक्सिडीमा हो जाता है, वो सब उसके हैं। यहाँ पर मैंने दो डिवीज़न किए हैं, दो ब्रॉड डिवीज़न हैं। एक तो है आपके हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, एक होता है आपके हाइपरथायरॉयडिज्म। क्लियर हो गया? फर्स्ट इज हाइपो एंड सेकेंड इज हाइपर। तो थायरॉक्सिन जिसमें आयोडीन होता है उसकी कमी से हो जाने वाले जो रोग होते हैं वो आपके हाइपोथायरॉयडिज्म होते हैं, ठीक है, कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म। तो दो तरीके के हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपके चार प्रकार की डिजीज हैं, ये मैंने यहाँ पर आपके लिखी हुई है। पहली है आपके क्रिटिनिज्म, जिसको आप जड़वामृता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल गई हूँ, लेकिन आई थिंक मैं ठीक ही बोल रही हूँ, जड़वामृता ही बोलते हैं। ये जो क्रिटिनिज्म है ये बच्चों में होता है थायरॉक्सिन की कमी से, ठीक है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो बौने रह जाते हैं, उनकी मतलब उनका ग्रोथ नहीं हो पाती है, कुरूप हो जाते हैं, उनका पेट बाहर निकल सकता है, जीभ मोटी हो जाती है, जीभ बाहर की तरफ आ सकती है, या जो उनके जो आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं, जननांग हैं, वो विकसित नहीं हो पाते हैं, उनकी स्किन ड्राई हो सकती है, या वो मेंटली भी मानसिक रूप से भी अल्प विकसित हो सकते हैं, मतलब उनका मेंटल डेवलपमेंट भी रुक सकता है अगर उनमें ये क्रिटिनिज्म की प्रॉब्लम है। तो ये है हाइपोथायरॉयडिज्म में आने वाला एक पार्ट, ठीक है, क्रिटिनिज्म जो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब आपके थायरॉक्सिन की कमी से जो रोग होते हैं, ठीक है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है बॉडी में। देन द सेकेंड वन इज मिक्सिडीमा, ठीक है, इसके आप मिक्सिडीमा बोलिए, मिक्सोडीमा बोलिए, ये अडल्ट्स में होता है। क्रिटिनिज्म किस में होता है? बच्चों में होता है। मिक्सिडीमा अडल्ट्स में होता है। इसमें अडल्ट में क्या होता है, उनके बाल गिरने लगते हैं, सेम उनकी भी स्किन ड्राई हो सकती है, या उसमें आपके फैट बहुत ज़्यादा जमा हो सकता है, मोटे हो सकते हैं वो, ठीक है, पतले भी हो सकते हैं, उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है, ठीक है, उनकी त्वचा बहुत ढीली हो जाती है, फूल जाती है, जरूरत से ज़्यादा तो वो मोटे दिखाई देते हैं, और वो सेम मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं वो, उनके भी जो आपके जननांग हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अनडेवलप हो सकते हैं, ठीक है। द थर्ड वन इज आपके इसको हाशिमोटो रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाशिमोटो डिजीज, ठीक है। यह रोग भी जो है आपके बॉडी में थायरॉक्सिन की बहुत ज़्यादा कमी से होता है, कि मतलब थायरॉक्सिन बिल्कुल भी सिक्रीट ही नहीं हो रहा है। ये तो इतना ज़्यादा आपके कहना चाहिए डेंजर है कि इसमें जो दवाएं दी जाती हैं वो भी हार्मोन को पॉइजन बनाने लगती हैं, ठीक है, और थायराइड ग्लैंड को बिल्कुल नष्ट कर देती हैं, बॉडी से थायराइड ग्लैंड ही गायब हो जाती है, ये जो हाशिमोटो डिजीज होती है। क्लियर हो गया? एंड फोर्थ वन इज सिंपल गोइटर, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिंपल गोइटर, ठीक है, जिसको आप जानते हैं थायरॉक्सिन की कमी से होता है बॉडी के अंदर, आयोडीन की कमी से होता है मुख्यतः जो रोग होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है, अगर आयोडीन बॉडी में प्रॉपरली नहीं है तो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रिएट नहीं होगा थायरॉयड ग्लैंड से, तो आयोडीन की कमी से ये रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, थायरॉयड ग्लैंड का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका जो साइज है, जो शेप है, वो इतना बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी गर्दन फूल जाती है। तो ये तो आप जानते ही हैं सिंपल गोइटर के बारे में। ये बात हो गई आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म की, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज हाइपर, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें आपके थायरॉक्सिन के बहुत ज़्यादा स्रावण से ये रोग होता है, मतलब अत्यधिक सिक्रीट हो रहा है। हाइपोथायरॉयडिज्म कब हो रहा था? जब बॉडी में कम हो रहा था, थायरॉक्सिन का जो सिक्रीशन है वो जितना हमें चाहिए उससे भी कम था सिक्रीशन बॉडी के अंदर उस हार्मोन का, ठीक है। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, यहाँ पर जितना हमें सिक्रीशन चाहिए बॉडी में उससे भी ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में जो है थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। इसमें क्या होगा, आपके जो हार्ट रेट है, हृदय स्पंदन की जो गति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे जो आपके घबराहट है, थकावट है, चिड़चिड़ापन है, ये सब होता है। एंड थ्री टाइप्स ऑफ डिजीज होती हैं, वो यहाँ पर हम उसको क्लियर कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज एक्सोथैल्मिक गोइटर, ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने। एक्सोथैल्मिक जो गोइटर है इसमें क्या होता है, इसमें जो आँख है, आँख मतलब आइज, फूल कर जो उसकी आईज हैं वो क्वार्टर से बाहर निकल जाती है, मतलब जो उसकी गोल गोल आईज होती हैं
वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, ऐसा लगता है बाहर की तरफ निकली हुई हैं, ठीक है, और उसमें कुछ श्लेष्म टाइप का जमा हो जाता है, मतलब आँखें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज ग्रेव्स डिजीज, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ग्रेव्स रोग बोलते हैं, इसमें जो है आपके जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे आपके सिंपल गोइटर में बढ़ जाती है ऐसे ही ग्रेव्स डिजीज में भी आपके थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, उसका साइज और शेप बढ़ जाता है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज प्लूमर डिजीज, या इसको प्लूमर रोग भी बोलते हैं, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसके अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में सिक्रेट होता है तो जो थायराइड ग्लैंड है उस पर जगह जगह पर गांठें सी बन जाती हैं, नॉट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये थी थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम्स जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से और थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से बॉडी के अंदर होती हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और इसी के साथ आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे ही मैं आपको सारे ग्लैंड्स को वन बाय वन अलग अलग करके कुछ और डीप नॉलेज के साथ, डीप इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने और फ्रेंड्स तक ताकि सभी को अपने साथ कनेक्ट कर सके। ओके, नाउ बाय।